अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिनहाल इरफान, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। सो वी आर डूइंग अवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ यूजर इंटरेक्शन। टुडे अवर टॉपिक इज़ पेज नंबर 37 पे है एक्टिविटी नंबर 2.7, 2.8 और 2.9। हम ये तीन एक्टिविटीज़ आज करेंगे। 2.7 देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू डिजिट नंबर्स फ्रॉम यूज़र। यूज़र से दो हमने नंबर्स लेने हैं, कोई भी नंबर्स ले सकते हैं हम लोग। कंप्यूट्स द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिजिट्स एंड शो द आउटपुट। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। लाइक हमने दो नंबर्स लेने हैं, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है एंड शो द आउटपुट, और उसका आंसर शो करना है, आउटपुट शो करना है। अब यहाँ पे देखें, बॉडी ऑफ द फंक्शन में क्लियर स्क्रीन इंटीजर डिजिट 1, यहाँ पर उन्होंने डिजिट की बात की हुई है ना, डिजिट 1 और डिजिट 2। अब प्रिंट एफ के स्टेटमेंट में देखें, प्लीज़ एंटर द फर्स्ट डिजिट नंबर। फर्स्ट डिजिट नंबर एंटर करेंगे हम लोग बाद में आउटपुट में। उसके बाद स्कैन एफ स्टेटमेंट में देखें, मॉड्यूल डी एंड डिजिट 1। फिर सेकंड स्टेटमेंट में प्रिंट एफ की सेकंड डिजिट नंबर और वो। उसके बाद अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना है ना, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वाली प्रिंट एफ स्टेटमेंट में स्लैश एन। एन मैंने आपको क्या बताया था, एन इज़ यूज फॉर नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इज़, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इज़, आगे कॉलन मॉड्यूल डी डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाय, इस मल्टीप्लाई बाय को हम लोग कहते हैं स्टैरिक। मल्टीप्लाई डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाय डिजिट 2, लाइक डिजिट 1 स्टैरिक डिजिट 2, और गेट सी एच। उसके बाद जो जो भी हमने प्रिंट एफ के स्टेटमेंट में लिखा होगा वही हमारे पास आता है आउटपुट में। अब फर्स्ट डिजिट में हम लोगों ने इनपुट किया है 6, सेकंड में किया है 5। 6 मल्टीप्लाई 5 इज 6, 5 आर 30। सिंपल, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इसमें बस दो डिजिट्स लेने हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। प्रोग्राम नंबर 2.8 में आते हैं तो है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स सेकंड एज इनपुट एंड कैलकुलेट्स इक्विलियंट नंबर्स ऑफ आवर मिनट्स एंड सेकेंड्स। हमने सेकेंड को लेना है इनपुट के तौर पर और हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ मिनट्स एंड सेकेंड्स। अब यहाँ पे देखें, फ्लोट में है सेकेंड, मिनट्स और पहली प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में देखें, प्लीज़ एंटर द सेकेंड, हमने सेकेंड पहले एंटर करने हैं। उसके बाद मॉड्यूल एफ एंड ये वही स्कैन एफ की स्टेटमेंट। फिर मिनट, अब हम लोग कैसे करेंगे, मिनट में क्या चीज़ होती है, मिनट में सेकंड्स होते हैं, सेकंड्स डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 60 होते हैं एक मिनट में, 60 सेकंड्स होते हैं और एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो मिनट में सेकंड्स होते हैं इसलिए हम लोग सेकंड्स डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। अब आवर में मिनट्स होते हैं, कितने होते हैं, 60 होते हैं, मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, एन इज़ फॉर नेक्स्ट लाइन टोटल सेकंड मॉड्यूल 2 2f, और एन इज़ फॉर नेक्स्ट लाइन सेकंड नंबर, फिर वही स्टेटमेंट, फिर टोटल और टोटल मिनट, फिर दूसरा टोटल और। उसके बाद हमने तीनों को कर देना है सेकंड, मिनट्स और को। प्लीज़ एंटर द सेकंड, सेकंड हमने यहाँ पे क्या एंटर किया, 234। टोटल सेकंड हमारे पास 234 है। ये सेकंड्स कितने मिनट बनते हैं, टोटल मिनट, ये सारे सेकंड्स को अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास 3.90 मिनट्स बनते हैं, और 3.90 मिनट्स हमारे पास एक घंटा बन सकता है, नहीं, इसीलिए ये 0.07 और हैं। सिंपल, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, ये भी बहुत ईजी है। उसके बाद है पेज नंबर 37 पे ही प्रोग्राम नंबर 2.9, कन्वर्ट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू सी एक्सप्रेशन। यहाँ पे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमने इन्हें सी एक्सप्रेशन में, सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, मैंने पहले भी बताया होगा कि जहाँ पे कोई दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उन्हें सी लैंग्वेज में हमने स्टैरिक यूज़ करके अलग करना है। लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट में है 6y + z, वाई और 6, ये अब हमें पता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये प्लस हो रहा है ना ये माइनस हो रहा है और ना ही ये डिवाइड हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई के साइन के लिए हमारे पास क्या है, वर्ड स्टैरिक।
सिक्स स्टेरिक प्लस जी. दूसरी स्टेटमेंट कैसे आएगी, वाई स्टेरिक. अब यहाँ पे वाई जी क्यूब है, जी को थ्री टाइम्स लिखेंगे, वाई स्टेरिक जी स्टेरिक जी स्टेरिक जी प्लस थ्री स्टेरिक वाई प्लस थ्री स्टेरिक वाई. थर्ड स्टेटमेंट में देखो, एक्स प्लस वाई स्टेरिक वाई डिवाइडेड थ्री स्टेरिक एक्स. उसके बाद वाली दूसरी है एक्स माइनस टू का, ये होल स्क्वायर है, तब हमने इसको ऐसे ही लिखना है, एक्स माइनस टू स्टेरिक एक्स माइनस टू प्लस थ्री स्टेरिक वाई. अब फाइव वाली स्टेटमेंट है एक्स प्लस थ्री स्टेरिक जी डिवाइडेड टू क्लोजिंग ब्रैकेट प्लस, यहाँ पे जी स्क्वायर एक जी क्यूब है तो हमने जी को थ्री टाइम्स लिखना है, जी स्टेरिक जी प्लस एक्स डिवाइडेड जी. दैट्स इट. ये बहुत आसान है. ये तीनों प्रोग्राम्स आज मैं ये तीन ही दे रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस हो सके. अगर आप करेंगे तो ये बहुत इजी है. आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है, पहले समझना है बाद में प्रैक्टिस करनी है, और ये आपको पेपर्स में आने चाहिए. अल्लाह हाफिज़.